एक शायर का रूप है बिहार में हमारी जिले में ऊपर है। तो शायर क्या कहता है, तुम्हारी याद मुझको आज भी जीने नहीं देती, तुम्हारी याद मुझको आज भी जीने नहीं देती, आए हैं जब जो दिल पर उन्हें सीने आए हैं जब जो दिल पर उन्हें सीने नहीं देती, कि पहले हम गलत कर लेते थे हम जाम के दम पर, कि पहले गम गलत कर लेते थे हम जाम के दम पर, मगर अब क्या करें कमबख्त पुलिस पीने नहीं देती। वैसे तो बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं मंजू जी, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी मुजरिम के हवाले से पढ़ी गई पंक्तियां हैं जो आपके दूसरे के बगल के हजोरदार का लिया। बहुत अद्भुत पंक्तियां। अब एक उर्दू में एक शेर और दो चार लाइनों का सुना देता हूँ। इसमें अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग मैसेजेस हैं। ये दिल में दर्द उठा देख कर तुम्हें ज़्यादा, ये दिल में दर्द उठा देख कर तुम्हें ज़्यादा, ये श्रृंगार रस की पहली लाइन है। करूँ मैं क्या भला ये तुम मुझे इशारा दो, करूँ मैं क्या भला ये तुम मुझे इशारा दो, दवा अगरचे मुझे देना नहीं हो मुमकिन, दवा अगरचे मुझे देना नहीं हो मुमकिन, तो इल्तिजा है कि फिर जख्म वो दोबारा दो, फिर उसके बाद चाहे जान मेरी ले लेना, फिर उसके बाद चाहे जान मेरी ले लेना, मगर नजरों को पहले फिर वही नज़ारा दो, मगर नजरों को पहले फिर वही नज़ारा दो। अब टेस्ट चेंज करते हुए चैलेंजिंग में, मैं नहीं रहने का कायल आराम तलबी में, मैं नहीं रहने का कायल आराम तलबी में, मीठे दरिया की जगह पर समुद्र खारा दो, मीठे दरिया की जगह पर समुद्र खारा दो, होगा अंजाम क्या ये बात देखा जाएगा। हम लोग कई बार सोच कर रह जाते हैं रिपरकशन का और वो अन्याय हो जाता है। तो लाइन है, होगा अंजाम क्या ये बात देखा जाएगा, जब भी देना पड़े जवाब तुम करारा दो, जब भी देना पड़े जवाब तुम करारा दो। नहीं, अगली लाइन में अगला मैसेज है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। न हिस्सा छोड़ेंगे अपना नहीं लेंगे बख्शीश, न हिस्सा छोड़ेंगे अपना नहीं लेंगे बख्शीश, चाहे जैसे करो बस हक हमें हमारा दो, चाहे जैसे करो बस हक हमें हमारा दो। जिन्हें हुआ भरम कि हम में रहा ताब नहीं, जिन्हें हुआ भरम कि हम में रहा ताब नहीं, उन्हें कुव्वत की अपनी एक झलक दोबारा दो, उन्हें कुव्वत की अपनी एक झलक दोबारा दो, जितना झेलूंगा उतना सख्त बन के उभरूंगा, जितना झेलूंगा उतना सख्त बन के उभरूंगा, ऐ मेरे चाहने वालों न तुम सहारा दो, ऐ मेरे चाहने वालों न तुम
सहारा दो। अब एक अंतिम पंक्ता कविता पढ़ना चाहूँगा जो हम लोगों ने पुलिस विभाग में रहते हुए एक तजुर्बे के रूप में पाई है, उसको शब्दों में कहने की कोशिश की है कि तमाम कई बार हम पाते हैं कि किस मजबूरी में जो पीड़ित है, जो वादी है, वही अपराधी को पहचानने से इनकार कर देता है। उसकी क्या मजबूरी है, उसको एक पुलिस अधिकारी पूछता है तो वो गरीब कहता है कि नहीं साहब, आप नहीं समझोगे। तो कविता का शीर्षक है साहब जी तुम ना समझोगे। तो साहब जी उस आदमी से जो कोर्ट में मुकर गया है उससे चंद सवाल कर रहे हैं कि तुमने ही थी रपट लिखाई, तुमने ही थी रपट लिखाई, तब की थी हमने कार्रवाई, तुमने ही थी रपट लिखाई, तब हमने की थी कार्रवाई, फोर्स भेज कर जाँच कराई, चार्जशीट दाखिल करवाई, कोर्ट में फिर किस खातिर भाई, तुमने उसे पहचाना नहीं। आगे हिम्मत देते हुए अधिकारी सवाल करता है हम कानून के रखवाले हैं, हम कानून के रखवाले हैं, बड़ी अधिक हिम्मत वाले हैं, हम थे साथ हर एक कदम पर, हम थे साथ हर एक कदम पर, फिर मुकरे क्यों ऐन वक्त पर, क्या कुछ इसका उत्तर दोगे। तो वो कहता है साहब जी तुम ना समझोगे, साहब जी तुम ना समझोगे। साहब जी फिर अपना तर्क रखते हैं कि ऐसा करने से अपराधी का मनोबल बढ़ता है, ऐसा करने से न्याय नहीं स्थापित हो पाता है, आपको कोर्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो कहते हैं अपराधी को दंड मिले जब तभी न्याय स्थापित होता, अपराधी को दंड मिले जब तभी न्याय स्थापित होता, तुमने अपना बेटा खोया कुछ सुकून तुमको भी होता, पक्ष द्रोह करने से पहले कुछ तो मन में सोचा होता, न्याय आज शर्मिंदा बैठा, तुमने सच कितने में बेचा, क्या तुमको है प्रिय अन्याय, दिल में झूठ का बोझ उठाए, बोलो शांति से क्या सोओगे। तो इस पर वो गरीब फिर कहता है साहब जी तुम ना समझोगे। अब वो जवाब देता है इंस्पेक्टर साहब के लिए झेलने से आसान है कहना, झेलने से आसान है कहना, उसी गांव में हमें है रहना, कुछ दिन की जेल कर लेगा, ऊंची कोर्ट से बेल कर लेगा, उससे हमें जान का खतरा, 107 का चिट्ठी पत्रा, उससे ज़्यादा क्या कर दोगे साहब जी तुम ना समझोगे। आगे कहता है सत्य और कानून की बातें, सत्य और कानून की बातें, कहिए न्याय को क्या हम चाटें, बेटा गया बोझ बेटी का, है सवाल रोजी रोटी का, ख़त्म मुकदमा कोई ना पूछे, ख़त्म मुकदमा कोई ना पूछे, रह जाएंगे यूं ही छूछे, बस मुजरिम को सजा ही देगा, आपका न्याय हमें क्या देगा, सब खुद की जय जय कर लेंगे, मेरे बोझ का फिर क्या होगा, साहब रोटी क्या तुम दोगे, साहब जी तुम ना समझोगे। अंत में कहता है जी बाबूजी सच पकड़े हो, जी बाबूजी सच पकड़े हो, हाँ मैंने बयान है बेचा, कुछ कट्ठे जमीन नकद में, हाँ मैंने ईमान है बेचा, उन पैसों से बेटी ब्याहूँ, उनसे ही परिवार निभाऊँ, न्याय के बाद के अन्यायों को सुनकर आप भी ना रो दोगे, साहब जी तुम ना समझोगे। धन्यवाद। एक बार आदरणीय मानसी जी के जोरदार तालियां बजाइए। देखिए पुलिस अपना भी निश्चित तौर पर करती है, लेकिन